अमरीकी महकमा खारजा के बयान में कहा गया है कि उन्होंने 3 चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है जो कि पाकिस्तान के बैलेंसिंग मिजाइल प्रोग्राम के तहत मिजाइलों की तैयारी से मुतलका आलात फ्राहम करने में मसरूफ रही है। गैर मुल्की अखबार ने पाकिस्तानी वजारत खारजा से इनका मौकफ जानने के लिए राबता किया है। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमरीका ने जौहरी अदम फैलाव के आलमी निजाम को मजबूत बनाने का अजम कर रखा है ताकि जौहरी फैलाव की तशवीशनाक सरगर्मियों की हिमायत करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ इकदामात किए जा सकें। बयान के मुताबिक आज हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13-38-2 के तहत 3 इदारों को नामजद कर रहे हैं। ये हुक्मनामा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और इनकी तरसील के जराए को हदफ बनाता है। अवामी जमहूरिया चीन में कायम ये 3 इदारे पाकिस्तान के बैलेंसिंग मिजाइल प्रोग्राम को मिजाइल से मुतलिक आलात की फराहमी के लिए काम कर चुके हैं। महकमा खारजा के मुताबिक इन तीनों कंपनियों के नाम जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लोलो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और चांगजू यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड हैं। महकमा खारजा का कहना था कि इन कंपनियों को इंतजामी हुक्म के तहत ऐसी सरगर्मियों या लेन देन में मुलविस या मुलविस होने की कोशिश करने पर नामजद कर रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव या इनकी तरसील के जराए में अमली तौर पर हिस्सा लेने या इनमें अमली किरदार अदा करने का खतरा पैदा करते हैं। इसमें पाकिस्तान की जानिब से ऐसे हालात की तैयारी, हसूल, मलकियत, नकलो हमल, मुंतकली या इस्तेमाल की कोई भी कोशिश शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ऐसे मवाद की फराहमी के लिए काम किया जो बैलिस्टिक मिसाइल के रॉकेट इंजनों और कम्बशन चैम्बरों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। बीजिंग लियोलो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सिलेंडरों और दीगर मशीनरी की फराहमी के लिए काम किया है जिसे सॉल्ट प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स बनाने में इस्तेमाल किया और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है।